अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया, अनदर व्लॉग। आज मैं अपने ऑफिस को सेट करने लगी, तो आज मैंने अपना पॉडकास्ट तैयार करना है, तो उसके अंदर कर्टन कैसे लगाने हैं, क्लीन किस तरह का होना चाहिए, पहले ही था जो वही उसको सेट करना है। वापस इसी जगह पे बनाया जहाँ पे सिलाई स्कूल है, तो क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और एक बड़ा सरप्राइज़ है कल आपके लिए, वो भी आपको बताते हैं। तो अभी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कल पॉजिटिव बहुत मुझे कमेंट दिए और बताया कमेंट्स बॉक्स के अंदर के हमारी जो भी पंजाब पुलिस है उसके बारे में। मुझे पहले से पता है, किसी ने कमेंट किया था बीबी आपको पता नहीं है, मुझे पता है पुलिस ऐसी ही है, लेकिन अगर अब भी वैसी रहेगी तो फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। किसी ना किसी को तो चेंज लाना पड़ेगा, तो चेंज के लिए जो है ना वो कभी कभी डिसीजन लेने पड़ते हैं। किसी एक को उठना पड़ेगा, इनके खिलाफ़ कुछ करना पड़ेगा, इनको झंझोड़ना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है, और अगर आप इस तरह की अब्यूजिंग वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे साथ ही रहिएगा, अभी हम चलते हैं बाज़ार, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें इकट्ठी करते हैं अपने पॉडकास्ट के लिए, और फिर कैसे सेटिंग है सारी वो भी आपको दिखाते हैं। ये ब्राउन और डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन है और ब्राउन है इसके साथ, ये ब्राउन भी दरमियान में, ये इस तरह ब्लैक और ब्राउन है, ब्लैक और मेहरून, ये गोल्डन टच में। हाँ ये देखें, मैं ऑफिस के लिए सिलेक्शन हो रही है, देखते हैं मैं कौन सा प्यारा लग रहा है। ये ब्लू भी अच्छा लग रहा है, ये जो लाइट है डार्क ग्रे को पॉइंट वाला, ये ग्रे या ये मैं इस शॉप पे पर्दे सेलेक्ट पर्दे सिलेक्शन के यहाँ से अब करने लगे हैं कोई सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन गलत हो गई है दीवारों की, अब उनका पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने ये येलो पसंद किए हैं, ये देखें इसके अंदर कितना प्यारा है वाइट कलर का। ये हंजरवाल में इनकी शॉप है, इसके साथ वाइट का कोई कम्बिनेशन करते हैं, फिर ये जब लगेगा तो फिर ही पता चलेगा। बड़े बड़े प्यारे पर्दे लगे हुए, मेहरून भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो मेहरून भी अच्छा लग रहा है। मेरे साथ पप्पा भी आ गए हॉस्पिटल, छोटा बच्चा तो आया ही होगा, छोटे बच्चे के अब्बू, ये छोटे बच्चे की पप्पा, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप पहले सेहतमंद हो गए? सेहतमंद हो गई हाँ, सही कह रहे हैं आप। आगे कौन तक? ये छोटे बच्चे के पापा, इसको मुबारक दें आप सब, ये छोटे बच्चे का गया है, बहुत शुक्रिया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जा रहे हैं छोटे बच्चे की छोटी मम्मा से मिलने, मैं तो बड़ी मम्मा हूँ ना, मम्मा दूदू आए चलते हैं। पुप्पो को तो आप जानते ही हैं, पुप्पो भी आई हुई है। खाना बनाना कितना अच्छा लगता है ना मीबू जी, इतने दिनों के बाद फिर खाना बनाना। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया कस्टर्ड, अब हम इसको ऐसे इसके अंदर साफ करते हैं और फिर आपको फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। मुन्ने देखो, आज मेरी और आपके साथ ख्वाहिश पूरी होगी कि यह हम खाएंगे कैंडल लाइट डिनर। रवीर भाई ये क्या है? कैंडल लाइट डिनर है। नाइट नहीं लाइट, और ये नाइट नहीं, ये लाइट मटरों वाले चावल। आज बाजी ने अपना अच्छा सारा खाना है, और देखें उम्मीद करते हैं बहुत मजे का होगा। जी व्यूवर्स, ये देखें जी मेरा पॉडकास्ट, ये मैंने इसके कर्टन लगाए हैं इस तरह से, कोई मुझे कलर नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी चेयर्स जो थी वो येलो थी, तो फिर ये देखें एम्ब्रॉयडरी वाले कितने प्यारे, ये देखें कितने अच्छे हो। और ये है मेरा पॉडकास्ट न्यू वाला, ये सारी सेटिंग इस तरह कर दी। कल हम इधर यूनिक चीज़ें और ला कर रख दें, आपको पता हमारा सिलाई स्कूल है, तो ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई स्कूल की मशीन आ गई, कुराने पाक हैं ये, कुछ बुक्स वगैरह हैं, और ये हमारी फाइलिंग सारी इधर फाइल शाल पड़ी हुई हैं,
और ये दो चेयर लगी हुई हैं, और ये देखें ये सामने बैठ के हमने पॉडकास्ट करना है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। वैसे तो ये बड़ा खूबसूरत यूनिक सा मैंने बनाया है, अगर देखें तो ये लाइटिंग है ऊपर सामने सारी, ठीक है, और ये इस तरह से ये देखें। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये हमने दो कम्बिनेशन किया है दीवारों के ऊपर, दो कलर का कम्बिनेशन किया है, ग्रीन येलो और दूसरा येलो यानी कि गोल्डन टच में ब्लैक, और साथ फिर येलो चेयर्स के साथ ही हमारा टेबल है, ठीक है। ये हमारे माइक है, तो यहाँ पे आप पॉडकास्ट हुआ करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लाइफ में कोई अच्छी स्टोरी है यूनिक, जो आप चाहते हैं कि लोगों को आप बताना चाहते हैं, पता चले लोगों को कि आपकी लाइफ की यूनिक स्टोरी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट करके अपना इंटरव्यू, अपना पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट में आके आप करवा सकते हैं। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ये भी लाइटें हैं, ये जब जलेंगी जब हम पॉडकास्ट करेंगे, तो ये देखें कैसा अच्छा व्यू आ रहा है और बड़ा ही यूनिक सा लग रहा है। मैं खुद ही तारीफें किए जा रही, तारीफ वो होगी जो आप करेंगे। तो इस तरह से ये क्लीन है, गोल्डन कलर का, इसके नीचे येलो चेयर्स हैं और येलो थीम रखा है हमने इसका। मुझे येलो कलर वैसे भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये देखें येलो कर्टन के साथ वाइट का टच कैसा लग रहा है। ये भी आपने ज़रूर तना है। क्लोजली मैं आपको एम्ब्रॉयडरी भी दिखा रही हूँ। ये लोगो है मेरा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा पॉडकास्ट, और ये छोटा सा माशाल्लाह यूनिक सा लिखा हुआ है। तो ये हमारा ऑफिस था, आपने कई बार देखा है वीडियो में। मेन एंट्रेंस से अगर देखें तो ये बाहर का गेट अंधेरा है, और इधर से मेन एंटर होएं तो ये है, और आगे हमारा सिलाई स्कूल है। तो ये हमारा मेन ऑफिस था, ऑफिस शिफ्ट किया, ऑफिस भी आपको विज़िट कराऊंगी। फ़िलहाल मैंने आपको अपने पॉडकास्ट का विज़िट करवा दिया है, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको यूनिक सा मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और अगर कोई यूनिक स्टोरी है तो आप ज़रूर आके मेरे से कांटेक्ट करें, मुझसे करवा सकते हैं आप अपनी स्टोरी, और मैं आपकी स्टोरी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो दुनिया के सामने हम उसको रखेंगे। तो हो सकता है इससे कोई इंस्पायर हो, आपकी ऐसी स्ट्रगल वाली स्टोरी हो जिससे कोई इंस्पायर हो जाए, अपनी लाइफ चेंज कर दे, तो इसलिए लाइफ में चेंज आने चाहिए। व्यूवर्स ये देखें मेरा पॉडकास्ट येलो थीम के साथ, ठीक है, और ये देखें स्ट्रॉन्ग उज़्मा पॉडकास्ट, येलो चेयर्स, वाइट टेबल, और साथ येलो चेयर्स और इधर वाइट कर्टन का जो हमने कम्बिनेशन दिया है। दो वॉल्स हैं बड़ी प्यारी सी। ज़रूर तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरा पॉडकास्ट जो है वो कैसा लगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं खुद तो तारीफें कर रही हूँ, लेकिन तारीफ वो भी जो आप करेंगे कि आपको कैसा लगा, इसमें कौन सा कलर होना चाहिए था। येलो के साथ ये वाइट अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाइट लाइटें हैं, फिर वाइट ही हमारा टेबल है, तो बीच में वाइट का वो कम्बिनेशन भी हो गया। देखें कर्टन कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, देर ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, सरप्राइज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।